हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट एंड पावरफुल स्मार्टफोन अंडर 17,000। 17,000 के अंदर बहुत सारे स्मार्टफोन मिल जाते हैं, बट हमने उन्हीं 5 स्मार्टफोन को चुना है जो कि इस टाइम के बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। जो जो स्पेसिफिकेशन आप 17,000 के अंदर एक्सपेक्ट करते हो, वो सभी स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पावरफुल प्रोसेसर, तगड़ा कैमरा, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, हाई रिफ्रेश रेट, मतलब कि सब कुछ आपको बेस्ट लेवल का मिल जाएगा। सभी स्मार्टफोन का जो प्राइस 1,000 से 2,000 रुपये अप डाउन होते रहता है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना। एंड स्मार्टफोन लेने से पहले आप एक बार अमेजन, फ्लिपकार्ट दोनों पे प्राइस चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ भी आपको 1,000 से 2,000 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। सभी स्मार्टफोन का जो बेस्ट बाय लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहाँ से जाकर आप लोग चेकआउट कर लेना। एंड अगर आपको पसंद है तो आप बाय भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग इन टाइम और बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। गाइस, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भेजिए, मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको जो डाउट है क्लियर कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में 5th नंबर में रैंक करता है, और रियलमी की तरफ से रियलमी 11 5G। अगर आपको एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस सेंटर के स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। सिंगल मंच स्पीकर है, ट्रिपल कार्ड स्लॉट का स्पेस देखने को मिलता है, फोन को अनलॉक करने के लिए साइड और लॉक है, और ये स्मार्टफोन ऑटोडॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। कैसे इसमें आपको 2 ईयर्स तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 5,000 mAh का बड़ा बैटरी दिया है, इसको चार्ज करने के लिए 67 वाट का इनबॉक्स चार्जर भी है। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा है 6.72 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 680 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है एंड पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी है। ओवरऑल डिस्प्ले आपको प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा मिल जाएगा, कॉन्टेंट वॉचिंग में काफ़ी मजा देगा, बट सुपर एमोलेड डिस्प्ले होता तो और भी ज़बरदस्त होता। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आपको इस बैक में 108 MP प्लस 2 MP का डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा 16 MP का सेल्फी कैमरा। कैसे इसके बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरे से आप 1080p 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। इसको दोनों कैमरे प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसमें लगा मीडियाटेक डेमिस्टी 6100 प्लस का 5G चिपसेट, और जो उसका अंतुतु उसके 4,30,000 के करीब में। नॉर्मली उसमें कोई भी इशू नहीं होगा एंड इससे आप मीडियम सेटिंग पर गेम प्ले कर सकते हो। ये जो स्मार्टफोन टोटल 9 5G बैंड को सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 8128 का जो प्राइस है 16,999 रुपये, यानी कि 17,000 रुपये, 1,000 से 1,500 का बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। मैडम, थोड़ा सा और आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं 4th नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में 4th नंबर में रैंक करता है, तो वीवो की तरफ से वीवो T2 5G। अगर आपको एक बेस्ट डिजाइन, डिस्प्ले एंड कैमरे परफॉर्मेंस वाला एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। गाइस, ये स्मार्टफोन लगभग 17,000 के रेंज में मिल जाएगा एंड इस प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है ये। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो सिंगल मॉनिटर स्पीकर देखने को मिलता हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस है, मतलब इसमें आप 2 SIM लगा सकते हो या फिर 1 SIM प्लस 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। अच्छी बात यह है कि फोन को अनलॉक करने के लिए इंडस्ट्री लॉक है, और ये स्मार्टफोन ऑटोडॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। गाइस, इसमें आपको 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 4,500 mAh का बड़ा बैटरी है, इसको चार्ज करने के लिए 44W का इनबॉक्स चार्जर भी है। 6.38 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है 98 के रिफ्रेश रेट के साथ, एंड 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 1300 निट्स का पीक ब्राइटनेस है, जिससे कि ब्राइटनेस को लेकर आपको आउटडोर में कोई भी इशू नहीं होगा। ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा ये स्मार्टफोन। यहाँ पर आपको इसके बैक में 64 MP जिसमें लगा OIS का सेंसर प्लस 2 MP का ड्यूअल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा 16 MP का सेल्फी कैमरा। गाइस, इसके बैक वाले कैमरे से आप 1080p की वीडियो 60fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 1080p वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा इसका काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। इसमें लगा स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट, और जो इसका अंतुतु स्कोर 4,20,000 के करीब में है। डे टू डे लाइफ में अच्छा परफॉर्म करेगा एंड इससे आप मीडियम टू हाई सेटिंग पे अच्छे से गेम प्ले कर पाओगे। ये जो स्मार्टफोन टोटल 6 5G बैंड को सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 6128 का जो प्राइस है 16,999 रुपये, यानी कि 17,000 रुपये। बड़े थोड़ा सा और आगे बढ़ता और बात कर लेते हैं 3rd नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में 3rd नंबर में रैंक करता है, सैमसंग गैलेक्सी F34 5G।
अगर आपको एक बेस्ट नॉन चाइनीज डिस्प्ले कैमरा एंड बैटरी सेंट्रिक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए तो डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। ये स्मार्टफोन आपको 17 से 18 हज़ार के अंदर देखने को मिलता है एंड प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो सिंगल मैन स्टेज स्पीकर है, हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस है, मतलब इसमें आप दो सिम लगा सकते हो या फिर एक सिम प्लस एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। फोन को अनलॉक करने के लिए साइड वॉल लॉक है और ये स्मार्टफोन ऑटोलॉक एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। गाइस इसमें आपको 4 इयर्स तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 5 इयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको 6000 एमएएच का बड़ा बैटरी देखने को मिलता है एंड 25 वाट का जो चार्जर है ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है, बट एडाप्टर आपको इन द बॉक्स नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देकर एडाप्टर खरीदना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ और 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी है। 1000 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है जिससे कि ब्राइटनेस को लेकर आपको आउटर में कोई भी इशू नहीं होगा। प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है, सैमसंग का डिस्प्ले है तो कलर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आपको इस बैक में 50 मेगापिक्सल जिसमें लगा ओएस का सेंसर प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 1080 वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिलता है एंड प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो अच्छे टाइप का कैमरा दे देता है। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा सैमसंग एक्सिनोस 1280 का 5G चिपसेट और जो उसका अंत तो उसका 460,000 के करीब है। लो टू मीडियम सेटिंग पे अच्छे से गेम प्ले कर पाओगे, बट ये स्मार्टफोन गेमिंग के लिए नहीं है, मतलब कि अगर आपको कभी कभी गेमिंग करना है तब आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हो, बट अगर आपको हैवी गेमिंग करना है तब आप इस स्मार्टफोन को स्किप कर देना। ये जो स्मार्टफोन टोटल 12 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर है सिक्योर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसका 6128 का जो प्राइस है 16,499 रुपये यानी कि 16,500 रुपये। वीडियो में थोड़ा सा और एक बार तरफ बात कर लेते हैं दूसरे नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर में रैंक करता है मोटो की तरफ से मोटो G84 5G। ये स्मार्टफोन एकदम कंप्लीट पैकेज ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, इसमें आपको प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी तगड़े तगड़े फीचर्स देखने को मिलते हैं एंड सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको 12GB का बड़ा रैम एंड 256GB का बड़ा स्टोरेज देखने को मिलता है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो ये जो स्मार्टफोन है 54 सर्टिफाइड है, डुअल स्टोरेज स्पीकर देखने को मिलता है, हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस है, मतलब इसमें आप दो सिम लगा सकते हो या फिर एक सिम प्लस एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। फोन कॉल लगाने के लिए एंड डिस्प्ले लॉक है और ये स्मार्टफोन ऑटोलॉक एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। गाइस इसमें आपको 1 ईयर्स तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 5000 mAh का बड़ा बैटरी है, इसको चार्ज करने के लिए 33 वाट का इनबॉक्स चार्जर भी है। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस 10 बिट पीओएलईडी डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ और 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 1300 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है। ओवरऑल डिस्प्ले आपको एक्सीलेंट लेवल का मिलता है, कंटेंट वाचिंग में काफ़ी मज़ा देगा। यहाँ पर आपको स्पेक में 50 मेगापिक्सल जिसमें लगा ओएस का सेंसर प्लस 8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके बैक वाले कैमरे से आप 1080p 60fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 1080p 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा इसका डिसेंट टाइप का परफॉर्म करता है, डे लाइट में अच्छा परफॉर्म करता है एंड लो लाइट में भी ठीक ठाक परफॉर्म कर देता है। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में यानी कि इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें लगा स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट और जो उसका अंतुतु स्कोर 4,50,000 के करीब में है। नॉर्मल यूज़ में कोई भी इशू नहीं होगा एंड इसे आप लो टू मीडियम सेटिंग पे गेम प्ले कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि ये जो स्मार्टफोन टोटल 14 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 12256 का जो प्राइस 18,999 रुपये यानी कि 19,000 से 1500 का बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। देन इफेक्टिवली इसके जो 12256 वाला वेरियंट आपको 17,000 से 18,000 में देखने को मिलेगा। वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पहले नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में पहले नंबर में रैंक करता है पोको की तरफ से पोको X5 Pro 5G। वैसे तो जिसका प्राइस था वो 23 से 24 हज़ार के करीब में था, बट अभी के टाइम पे बिना किसी बैंक एंड कार्ड ऑफर के ये स्मार्टफोन आपको 20,000 में आराम से मिल जाएगा एंड प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी तगड़े तगड़े फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब कि अगर आपको एक तगड़ा ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए अंडर 20,000 देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो इसमें आपको यूनिक डिज़ाइन देखने को मिलता है, IP53 सर्टिफाइड है, डुअल स्टोरेज स्पीकर देखने को मिलता है, 3.5mm का हेडफोन जैक है, इसमें आप दो सिम लगा सकते हो बट SD कार्ड नहीं लगा सकते। फोन को लगाने के लिए साइड और लॉक है और ये स्मार्टफोन ऑटोलॉक एंड्रॉइड 12 के साथ आता है। 5000 mAh का बड़ा बैटरी देखने को मिलता है, इसको तेजी से चार्ज करने के लिए 67 वाट का इनबॉक्स चार्जर भी है।
6.67 इंच का फुल HD प्लस 10 बिट सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 900 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है एंड कोर गोरिल्ला क्लास 5 का प्रोटेक्शन भी है। डिस्प्ले काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है, एक्सीलेंट लेवल का डिस्प्ले है। यहाँ पर आपको इसके बैक में 108 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 1080p वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा इसका अच्छा है। इसमें लगा स्नैपड्रैगन 778G का 5G चिपसेट। परफॉर्मेंस भी इस स्मार्टफोन में आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। मीडियम टू हाई सेटिंग पे अच्छे से गेम प्ले कर सकते हो। ये जो स्मार्टफोन टोटल 7 5G बैंड को सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 6128 का जो प्राइस है 17,999 रुपये यानी कि 18,000 रुपये, 1,000 से 1,500 का बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये थे इस टाइम के टॉप 5 बेस्ट एंड पावरफुल 5G स्मार्टफोन अंडर 17,000। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो किस बात का इंतजार कर इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। गाइस वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना प्लीज मत देख, अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज।